हेलो दोस्तों, रणवीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन जिसने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रह्मास्त्र ऐसी फिल्म है जिसे 3 पार्ट में रिलीज किया जाना है और अब इसके दूसरे पार्ट को लेकर मेकर्स की ओर से कई सारी बड़े अपडेट निकल कर आ रही है और उनका कहना है कि वह बहुत जल्द ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के ऊपर काम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ी फिल्म है जिस वजह से इसके दूसरे पार्ट को बनाने में काफी समय लगने वाला है और शायद इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए हम लोगों को लगभग 2 सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को अयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके पहले पार्ट को भी अयान मुखर्जी ने ही डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त VFX सीन और दमदार एक्शन देखने को मिला था। आगे बढ़ते हुए फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म में हम लोगों को रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन तो दिखेंगे ही। साथ में मेकर्स के अनाउंसमेंट के बाद अब इसके सेकेंड पार्ट में हम लोगों को दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली है। तो वही ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसके दूसरे पार्ट में देव का किरदार कौन सा एक्टर निभाने वाला है, क्योंकि इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि देव का कैरेक्टर बहुत बड़ा है और इस लिहाजे से इसके लिए बहुत ही बेहतरीन और बड़े कलाकार की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं अगर खबरों की माने तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में देव का किरदार निभाने के लिए मेकर्स ने ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह को सिलेक्ट किया है। अब देखना यह इंटरेस्टेड होगा कि आखिर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में विलेन देव का किरदार निभाते हुए कौन से कलाकार नजर आएंगे। मेरे अनुसार से इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ देव का किरदार निभाते हुए रणवीर सिंह नजर आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक साथ बाजीराव मस्तानी और पद्मावती जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुके हैं। लेकिन इस फिल्म में आप लोग किसे देखना पसंद करेंगे, रणवीर सिंह को या फिर ऋतिक रोशन को, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बात करें फिल्म के रिलीज डेट की तो दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग इसी साल 2023 के अंत से शुरू कर दी जाएगी और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ा फिल्म है जिस वजह से इसकी शूटिंग में काफी समय लग सकता है और अगर खबरों की माने तो यह फिल्म हम लोगों को 2025 के अंत तक सिनेमा घरों में देखने को मिल सकते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से देव के ऊपर फोकस्ड होने वाली है और इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि आखिर देव के पास इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से और किस प्रकार से आई और यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वही ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट में हम लोगों को इसके पहले पार्ट से भी ज्यादा जबरदस्त VFX सीन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।